आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तरह से डिफरेंशिएट करके ज़रूर बताऊंगी कि नॉर्मल बुखार और डेंगू के बुखार में क्या अंतर है। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर बच्चे को कोई नॉर्मल बुखार होती है जिसका रीज़न हो सकता है कि बच्चे को अगर वैक्सीन लगी है या फिर कई बार सर्दियों की वजह से, कई बार अगर बच्चे को ठंड लग गई, अगर रात भर आपने एसी ऑन कर दिया और सुबह में आप बच्चे का टेम्परेचर देखते हैं तो बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तीसरा रीज़न ये होता है कि अगर बच्चे को सर्दी लग गई, अगर ठंडी हवाएँ चल रही हैं, बाहर आपने एक्सपोजर कर दिया, या फिर कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा पानी वगैरह में भी खेल लेते हैं, उसके वजह से भी उनको नॉर्मली जो बुखार होती हैं वो एक नॉर्मल बॉडी का एक टेम्परेचर बढ़ा हुआ सा लगता है और उस टाइम पे ये धीरे धीरे ग्रेजुअली 1 से 2 दिन के अंदर वो ठीक भी हो जाता है। अगर आप नॉर्मल पैरासीटामोल देते हैं तो बच्चे का बुखार तुरंत उतर जाता है, फिर से बुखार आने की समस्या नहीं बनी होती है। अगर वो नॉर्मल फीवर है तब की मैं बात कर रही हूँ। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर बच्चे को डेंगू का बुखार है तो उस टाइम पे ये बुखार के अलावा कौन कौन से लक्षण होते हैं जिससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये डेंगू के बुखार है। तो सबसे पहले होता क्या है कि बच्चे को नॉर्मली जिस तरह से फीवर आता है उस तरह से आएगा, लेकिन ये फीवर की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती है। 102 डिग्री भी, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे भी बच्चा बहुत ज़्यादा उसकी बर्दन तप सकते हैं और बच्चे को काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस हो सकती है। क्योंकि जब भी अगर नॉर्मल बुखार होता है तो बच्चा कमज़ोर तब भी होता है, लेकिन जब डेंगू का बुखार होता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि बच्चे के बदन में काफ़ी तेज़ दर्द भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर जगह पर भी बच्चा कंप्लेन कर सकता है कि उसे दर्द हो रही है, जैसे कि पैरों में दर्द, पेट में दर्द या फिर सर में दर्द। ये एक नॉर्मल आम समस्या है, कमर में भी दर्द हो सकती है। तो अगर बच्चे को बॉडी पेन किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे हो रही है, किसी पर्टिकुलर पार्ट पे हो रही है, तो वो भी एक बहुत ही सटीक लक्षण है जिससे आप समझ सकते हैं कि डेंगू का बुखार बच्चे को हो रहा है। लेकिन अगर बच्चा काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहा है, उसके साथ ही साथ तीसरा लक्षण, बच्चा अगर डिहाइड्रेटेड है, अगर बच्चे की यूरिन पास हो रही है सही टाइम पे तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर धीरे धीरे बच्चे के पानी के इंटेक भी कम हो रहा है, साथ ही साथ यूरिन भी इतना प्रॉपर मात्रा में नहीं जा रहा है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि बच्चे को डेंगू का फीवर हो चुका है। चौथी चीज़ क्या होती है कि बच्चे को अगर बार बार लॉस ऑफ एपेटाइट हो रही है, उसको भूख की उसको कमी हो रही है, बच्चा खाना अच्छी तरह से नहीं ले रहा है, कुछ भी खाने में अरुचि दिखा रहा है, तो उस टाइम पे भी आप इसको डेंगू के लक्षण मान सकते हैं। पांचवी चीज़ क्या होती है कि बच्चे को अगर लगातार उल्टी होती है या कहीं पर अगर ब्लड के स्पॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं या उसके बदन में चकत्ते चकत्ते जैसे बन रहे हैं, ये सारे भी बच्चे के डेंगू के लक्षण होते हैं। तो जितने मैंने 6-7 पॉइंट आपको बताएं कि डेंगू के लक्षण क्या क्या होते हैं, उनको आप नॉर्मल बुखार से कंसिडर ना करें। नॉर्मल बुखार और डेंगू के बुखार में ज़मीन आसमान का अंतर है और इस चीज़ को समझिए। और सबसे ज़्यादा डेंजर की साइन क्या होती है कि पहला जो 4 से 5 दिन होता है वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा फीवर में होता है, लेकिन फीवर के साथ ही साथ अगर बच्चा बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा है या फिर यूरिन अच्छी तरह से पास नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली अपने बच्चे को एडमिट करने की आवश्यकता है। आप बच्चे को एडमिट करिए, वहाँ पर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी और क्योंकि वहाँ पर आपके बच्चे की लगातार मॉनिटरिंग होती रहती है, आपके बच्चे का ब्लड टेस्ट होता है जिससे कि पता चल जाता है कि बच्चे की जो प्लेटलेट काउंट्स हैं वो ज़्यादा कम तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर वो कम होंगे, अगर बच्चे को डेंगू के फीवर से ज़्यादा उसके जो लक्षण होते हैं वो ज़्यादा जानलेवा होते हैं, तो इसको रोकथाम करने के लिए सही टाइम पर बच्चे के लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी है, दवाइयों का इस्तेमाल करें। और तीसरी चीज़ क्या होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको बच्चे के पानी के इंटेक को अच्छा बना करके रखना है। जितना अच्छा बच्चे का पानी का इंटेक बनाएगा, फल या जूसेस वगैरह उसको दीजिएगा, उसको उतनी ताकत आएगी और पानी का अगर लेवल मेंटेन्ड होगा तो डेंगू का फीवर भी जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगा। तो आपको सही टाइम पे बच्चे को एडमिट भी करना है ताकि कहीं पर भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।